गुबा गुबा देखना इस बार करूंगा मैं कुछ ऐसा कि छलपरी बना ही देगी मुझे अपना प्रधान। नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ करूंगा कि छलपरी मुझे बना देगी प्रधान। दो देखी कभी तूने अपनी शक्ल आईने में? रोज देखता हूँ, बहुत अच्छी है, खूबसूरत। तेरी देखी है? अरे है देखी, हूँ मैं ही लायक प्रधान बनने के। तू है लायक, तू लायक। तोबा तोबा। बस बहुत हो गई मेरी हार, इस बार तो बालवीर के सुरों की तार को बिगाड़ना ही पड़ेगा। चमत्कार मैंगो आखिर परीलोक के कारागृह से निकलने में कामयाब हो ही गया और साथ ही रानी इंदुमती का हार भी चुरा लिया। वाह क्या बात है, क्या सुर लगाया है मोगैम्बो। अब आएगा मजा, तुम पहुंचो परी तारा तक और फिर तुमसे उसे लेना तो मेरे लिए बच्चों का खेल। कहाँ छुपाए हैं लड्डू? कहाँ छुपाए होगे? ओ, डब्बे के अंदर डब्बा, शायद यहाँ छुपाए होगे। कस्तूरी तुम कहीं भी छुपा लो, लड्डू मिल गए। वाह वाह। एक रख देता हूँ, कस्तूरी ने कितनी मेहनत से छुपाया है। रानी इंदुमती के प्राचीन हार की चोरी। बापूजी। हाँ चोरी। चोरी? लगता है मैं इसको पता चल गया कि मैं छुप के लड्डू खा रहा हूँ। चोरी बापूजी चोरी। हाँ हाँ बेटा चोरी चोरी, लेकिन इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है, आराम से बैठ जाना बेटा। हाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अब मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? अरे पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, इतनी सी तो बात है। मीता बाओ वो कपड़े। बच गया मैं। हाँ इस बार नहीं बचेंगे बापूजी, इस बार नहीं बचेंगे, इस बार तो डंडे पड़ेंगे डंडे। ये तुम्हारी माँ को मत बताना ये बात। माँ को नहीं बताने से क्या होगा, पूरी दुनिया को पता चल गया है बापूजी, पूरी दुनिया में थू थू होगी। थू 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 क्यों होगी बेटा? बेटा तू कुछ मत बोलना। मेरे बोलने नहीं बोलने से क्या होगा, अखबार टीवी रेडियो सब जगह इसी बात की चर्चा हो रही है। ये खबर अखबार में भी छप गई? तो अखबार वालों से कोई चोरी छिपती नहीं है, देखो हेडलाइन में छपा है, रानी इंदुमती के प्राचीन हार की चोरी। तू हार की बात कर रहा था? मैं समझ रहा था कि मैं जो लड्डू चुरा के खा रहा था उसकी बात कर रहा है। क्या? महेश पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। हाँ इतनी सी बात के लिए क्यों पुलिस को बीच में जला रही हो? जाने दो। हाँ माँ जाने दीजिए ना, इतनी छोटी सी बात। नहीं नहीं अब तो पुलिस के पास भेजूंगी, रोकूंगी नहीं। नहीं 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 पुलिस स्टेशन नहीं जाना है मुझे, मेरी बात। अरे हाँ याद आया, पुलिस स्टेशन ना, पुलिस स्टेशन से याद आया कि मुझे बाहर जाना है। बापूजी अरे हाँ मुझे भी याद है। बालू माना रुको रुको बेटा, तुम लोग फ्री हो ना? मेरा एक काम, ये ड्राई क्लीन करने के लिए मेरा लाल कोट दिया हुआ है, उसके लिए उसे लेके आओ। ठीक ओके। क्या होगा क्या पता, लाल कोट का? अरे देश का क्या होगा क्या पता, आए दिन चोरियां होती है, इतना इतना कीमती हार। जामो कैमो घुमेंगो और वहां मस्ती ना हो तो फिर क्या मजा।
कि मैं किसी को भी दिखाई ना दूं। मुझे दे दे। नहीं नहीं बल्लू, मैं पकड़ लूंगा। अब मानो इस कोट के जितना तेरा वजन है, दे दे ना। ए बल्लू, अब तो मैंने दूंगा, अब मैं ही लेकर आऊंगा। पर मानो मानो दे ना, मानो मानो मानो। अरे तुझे चाहिए था ना, पकड़। हाँ पृथ्वी लोक में एक प्राचीन हार की चोरी हो गई, और आश्चर्य की बात तो यह है कि किसी को यह पता ही नहीं चल पा रहा कि वो हार किसने चुराया है और कैसे। फिर तो जरूर यह चोरी मोगैम्बो गुमैंगो ने ही की है। हाँ? और उसकी इस चोरी में मदद उसके करामती कोर्ट ने की है। हाँ बालपरी, जब तक वो करामती कोर्ट मोगैम्बो गुमैंगो के पास है, उसके लिए कोई भी चोरी करना मुश्किल नहीं है। और जहां तक हम मोगैम्बो गुमैंगो के बारे में जानते हैं, वो बिना किसी वजह के कोई काम नहीं करता। उसके हर बुरे काम के पीछे कोई ना कोई बुरा मकसद जरूर होता है। आपका मतलब है बालपरी कि उसने ये चोरी अपनी किसी शैतानी योजना को पूरा करने के लिए की है? हाँ बालपरी। फिर तो उसे जल्द से जल्द पकड़ना और भी जरूरी है बालपरी। लेकिन कैसे पकड़े उसे? उस करामती कोर्ट की मदद से वो कहीं भी आ जा सकता है और किसी का भी रूप धारण कर सकता है। हाँ, पिछली बार भी उसने कुछ ऐसा ही किया था, और अपनी ही गलती की वजह से वो हमारी पकड़ में आ गया था। हाँ, और मुझे लगता है कि वो इस बार भी कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, क्योंकि बुराई करने वाला चाहे कितना भी चालाक क्यों ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने कदमों के निशान छोड़ ही जाता है। हाँ, लेकिन अभी सबसे पहले हमें बालवीर को मोगैम्बो गुमैंगो के भागने के बारे में बताना ही होगा, ताकि वो भी हमें उसे पकड़ने में मदद कर सके। हम अभी बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर, 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 माँ मुझे बुला रही है, और माँ बुलाए तो मुझे जाना ही पड़ता है। कि कैसे जाऊं? मानो मेरे साथ है। नहीं, मुझसे कौन सी जरूरी बात करना चाहती हो? अब
ठीक है। ये क्या? हमारा और अंकल का, दोनों का कोट तो सेम है और रेड कलर में। अब कैसे पता चलेगा बल्लू कि कौन सा कोट हमारा है और कौन सा कोट अंकल का है? ये मेरा है। तो फिर बल्लू ये वाला कोट हमारा है। हाँ। रुको। बालवीर, बल्लू, ये क्या है? बालवीर, बल्लू, तुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रैकलिन नो करा है? अब पापा मुझे बहुत डांटेंगे, कितना गंदा हो गया ये देख। हाँ तो डांट खा लेना। हाँ? मेरा मतलब है कि मुझे चर्चा के वहाँ जाना है और उन्होंने मुझे कुछ काम बताया तो मुझे वो पूरा भी करना है, इसलिए तू जा। लेकिन बल्लू स्कूल का टाइम हो रहा है। हाँ मानो मैं आ जाऊंगा, जाना। क्या मामा सब ठीक तो है ना? नहीं बालवीर, कुछ भी ठीक नहीं है। ये मोगेम्बो गोमेंगो तो बड़ा ही खतरनाक अपराधी। इसने वो हार चुराया? लेकिन क्यों? उस हार में कुछ खास है क्या? हो ना हो, उस हार को चुराने के पीछे उसका मकसद परितारा तक पहुंचना ही है। परितारा? क्या वो परितारा चुराना चाहता है? हाँ बालवीर, और ये पहली बार नहीं है। मोगेम्बो गोमेंगो पहले भी परितारा को चुराने की कोशिश कर चुका है। बालवीर हमें बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं अब आगे क्या होगा। बच गया। अगर इस कोट को ऐसे हाथ में पकड़ के रखूंगा तो फिर से गिर जाएगा। क्या करूं? हाँ, एक काम करता, इसे पहन लेता हूँ। लेकिन अगर इतने बड़े कोट को पहनूंगा तो फिर सारे बच्चे मुझ पर हंसेंगे। हंसने दो, कम से कम पापा की डांट तो नहीं पड़ेगी। ऐसा लग रहा है ये पापा की नहीं मेरी कोट है। कोई ये जादुई कोट तो नहीं? ओह नो, अब मैं पापा को क्या जवाब दूंगा? क्यों क्यों हूँ मैं पूछता, क्यों आखिर क्यों कि क्यों ये मोगेम्बो गोमेंगो ने ये चोरी क्यों? माँ, मोगेम्बो गोमेंगो के पास करामाती कोट है, तो वो अपने करामाती कोट की इच्छा पूर्ति शक्ति से परितारा को आसानी से हासिल कर सकता होगा। नहीं बालवीर, परितारा महाशक्तिशाली है, किसी कोट की मदद से कोई परितारा को हासिल नहीं कर सकता। वो करामती कोट मोगेम्बो गोमेंगो के लिए परितारा तक पहुंचने का सिर्फ एक जरिया हो सकता है। फिर तो हमें पता लगा नहीं होगा कि आखिर उसने हार की चोरी की क्यों। हो सकता है कि उसने वो चोरी हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया हो, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और ही हो। नहीं भटकाती पर, मोगेम्बो गोमेंगो ने 16वीं सदी में भी ऐसी कई प्राचीन और कीमती चीजों की चोरी की थी जिससे उसे परितारा तक पहुंचने की चाबी मिल गई। ऐसी बात है तो इस बार तो वो परितारा तक और भी आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि उसके पास करामाती कोट भी है। मोगेम्बो गोमेंगो बहुत ही चालाक खिलाड़ी है, इसलिए मुझे लगता है हमें इतने जल्दी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। अरियो, आप सब चिंता मत कीजिए,
मोगेम्बो गोमेंगो का मकसद चाहे जो भी, लेकिन मैं उसे पूरा नहीं होने दूंगा। मैं उसे उसके करामाती कोड के साथ यहाँ लेकर आऊंगा। मैं उसके बुरे इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। वाह, शाबाश बालवीर, हुई ना ये बात। बालवीर, बालवीर हमें तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन उसकी अगली चाल जानने के लिए सबसे पहले हमें उसके असली मकसद को समझना होगा। हाँ, सिर्फ एक खाल की चोरी से हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। हमारा संदेह सही है या गलत, ये पता लगाना। तो फिर हमारे पास एक ही तरीका है उसके मकसद को जानने का। क्या बात? हमें वहां जाना होगा जहां हमारे सारे सवालों के जवाब है। कहां बालवीर? इतिहास की किताब। खुश रहो इतिहास की किताब, खुश रहो। हे इतिहास की किताब, आप हमारी पहली और आखिरी उम्मीद हो मोगेम्बो गोमेंगो के असली मकसद को जानने की। इसलिए हम आपको जागृत कर रहे हैं। इतिहास की किताब, कृपया हमें बताएं क्यों महत्वपूर्ण है 16वीं सदी की रानी इंदुमती के गले का हार। सदी में बुराई का घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। पृथ्वी लोक पे जब हर राजा दूसरे राजाओं को अपना गुलाम बनाने के लिए युद्ध कर रहा था, उस समय राजस्थान के कुछ 100 गांवों पे राज करने वाले राजा चंद्रभान सिंह और उनकी पत्नी रानी इंदुमती देवी सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चल रहे थे। उन्होंने अपने राज्य में किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया, और अगर उनके राज्य में कोई बुरा काम करता या झूठ कहता तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलती। उस समय परीलोक भी चारों तरफ से बुराई के वार से घिरा हुआ था। सभी बुरी शक्तियां परितारा को पाना चाहती थी, इसलिए माँ परी ने परितारा को एक ऐसी सुरक्षित जगह पर रखा जिसके चारों तरफ मजबूत मायावी शक्तियों का सुरक्षा घेरा था। माँ परी ने परितारा तक पहुँचने के लिए और इस कड़ी सुरक्षा घेरे को पार करने के लिए दो चाबियां बनाई। उनमें से एक चाबी उन्होंने परीलोक में रानी परी को दी और दूसरी चाबी को अंगूठी और गले के हार में बदल दिया। और फिर अच्छाई और सच्चाई के तोहफे के रूप में उन्होंने राजकुमार चंद्रभान सिंह को वो अंगूठी और राजकुमारी इंदुमती को वो गले का हार दे दिया। अब जो इन दोनों चीजों को हासिल कर लेगा और इन्हें मिला देगा वो परितारा तक पहुंचने की चाबी पा लेगा और परितारा तक पहुंच जाएगा। मोगेम्बो गोमेंगो ने रानी इंदुमती का हार तो हासिल कर लिया है, अब वो जरूर उस अंगूठी को हासिल करने की कोशिश करेगा। और अगर उसे अंगूठी मिल गई तो परितारा को हासिल करने से उसे कोई नहीं रोक पाएगा, और ये परीलोक और पृथ्वीलोक दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं विजदार परी, अब अगर बुरा होगा तो मोगेम्बो गोमेंगो के साथ, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि उसका अगला कदम क्या है। बस एक बार वो उस अंगूठी को चोरी करने आ जाए, हम उसे वहीं पर कैद कर लेंगे। लेकिन बाल परी, ये अंगूठी है कहाँ? राजा चंद्रभान सिंह की वो अंगूठी पृथ्वीलोक के एक संग्रहालय में रखी हुई है। तो अब आने दो मोगेम्बो गोमेंगो को उस अंगूठी की चोरी करने के लिए। हम सब मिलकर उसे अच्छाई और सच्चाई का ऐसा जादू दिखाएंगे कि उसकी बुराई के होश उड़ जाएंगे।